हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी क्रिक बॉल। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 में खेला जाने वाला मैच नंबर 11 जो कि खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया विमेन बनाम श्रीलंका विमेंस के बीच में, बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या ये मुकाबला वन साइडेड मैच देखने को मिलने वाला है या जिस तरह से श्रीलंका अभी तक इस वर्ल्ड कप में अपना परचम लहराए हुए है और जिस तरह से लगातार मैच जीत रही है, चाहे बात कर लो आप साउथ अफ्रीका जैसी इतनी तगड़ी टीम को, वो भी पहला मैच का प्रेशर, वर्ल्ड कप फर्स्ट मैच साउथ अफ्रीका जैसी टीम, इतनी बड़ी बड़ी खिलाड़ी, उसके बाद श्रीलंका विमेन ने बीट कर दिया है। लेकिन एक ना छोटी सी बात बताऊंगी, श्रीलंका विमेंस इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि 129 रन का कुछ टारगेट लेके आई है। पहले मैच में भी 129 रन बनाया फर्स्ट इनिंग में खेलते हुए, दूसरे मैच में बांग्लादेश को हराया उसमें भी 129 रन बनाया, तो क्या इस मैच में भी 129 ही रन बनाने वाली है? लेकिन यहाँ 129 पे बात नहीं बनेगी। ऑस्ट्रेलिया विमेंस, इनको हारना सीखा नहीं है, इन्होंने सारे मैच जीतते हुए आ रही है और इस मैच में भी बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन देने वाली है। देखो, सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, और अगर मन नहीं है ज्वाइन होने का तो कोई बात नहीं गाइज, लेकिन जाके देखना ज़रूर कितनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, इतने सारे कंटेंट लाना, इतने सारे डेटा आप तक पहुंचाना, इतने सारे बहुत सारे अजीब अजीब कमेंट भी आते हैं, मुझे लड़की है ये क्या बताएगी, इसको क्या पता होगा, इस टाइप की चीज़ें भी सुन के इस लाइन में फर्स्ट लड़की हूँ, यहाँ पर अपने आप को स्टेबल करना, खुद को प्रूफ करना कि हाँ मुझे नॉलेज है। अगर हमारी लड़कियाँ क्रिकेट खेल सकती हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप ला सकती हैं, तो एक लड़की आपको प्रेडिक्शन भी दे सकती है। तो सबसे पहले इसलिए मैं बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस देखो, इस वीडियो में आपको सब कुछ कवर करके दूंगी, कैसी होगी पिच, किसको फेवर करने वाली है, कौन कितने रन बनाने वाला है, कौन कितने विकेट निकालने वाला है, गार्डनर फिर से क्या दिल गार्डन करने वाली है या फिर एलिस परे का कमाल चलने वाला है, सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले बात करेंगे मैच वेन्यू की। अगर ये मुकाबला सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है, अगर मैं इस पिच की बात करूँ ना गाइस, देखो ओवरऑल ये बैलेंस पिच है और हमेशा ही बैलेंस पिच होती है, ये सब तो आजकल नॉर्मल हो गया, लेकिन ग्राउंड थोड़ा मीडियम है तो वहाँ पर रन बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया वो भी फोर्स बैटिंग करने आती है तो अच्छे खासे रन बनने वाले हैं, बहुत बड़ा स्कोर जाने वाला है। फिर तो मैं इस मैच को ऑलमोस्ट 180 प्लस का मैच देखती हूँ, लेकिन अगर सामने श्रीलंका फोर्स बैटिंग करने आती है तब ये मुकाबला आपके 130 के पवई 129 वाला मैच रह जाने वाला है। चलिए स्टैट्स आपको बताएंगे कि कुछ मैचेस किस तरह से इस पिच पे खेले गए हैं। इस पिच पे देखो टोटल 3 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 1 बार मैच जीता, और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर बैटिंग भी काफ़ी अच्छी होगी और अच्छे खासे फर्स्ट इनिंग में स्कोर बनने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया विमेंस को आदत है फर्स्ट इनिंग में बड़े बड़े स्कोर बना के सामने वाली टीम को पूरा टीम को आउट करा देने का। पहला मैच 97 रन से जीता भाई, न्यूजीलैंड जैसी इतनी तगड़ी टीम, तो वहाँ अगर बात करें एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग 132 है, हाईएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका विमेंस ने बनाया है यहाँ पर 179 पे 6 विकेट है, लोएस्ट स्कोर की बात करें तो वो भी साउथ अफ्रीका की तरफ से बनाए गए हैं 58 पे 8 विकेट है। किस तरह का स्कोर यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए देखा जाता है, 150 से नीचे का स्कोर एक बार बन चुका है, 150 से 169 का स्कोर भी एक बार बन चुका है, अगर बात करें 170 से 189 की तो वो भी एक बार बन चुका है, तो ऑलमोस्ट हम 190 तक तो जा ही चुके हैं। 190 प्लस का मुकाबला क्या ये होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करते आ रही है तो ऑलमोस्ट होने वाला है। लास्ट कुछ मैचेस की बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो पेसर्स को तो काफ़ी ज़्यादा मदद है, लेकिन आप एज कंपेयर करो ना तो यहाँ पर स्पिनर्स को भी काफ़ी मदद मिलने वाली है, और देखो अभी एक दो मैच भी होने वाले हैं, एक दो मैच हो गए तो वहाँ पर से स्पिनर्स को मदद मिलेगी। चलिए बात करेंगे आपसे इस पिच पे लास्ट कुछ मैचेस में किस तरह का स्कोर पैटर्न और किस तरह की विकेट देखने को मिली थी, किस तरह का विकेट बता रहा था पिच पे, तो वहाँ बात करेंगे। सबसे लास्ट मुकाबला जो हुआ था सनराइजर्स एंड पर्ल रॉयल के बीच में, वहाँ पर पर्ल रॉयल ने चेस करते हुए 130 रन का रच सनराइजर ने रखा था, इजिली जीत लिया, टोटल विकेट गिरी वहाँ पर आपकी 13 जिसमें से 12 विकेट में से 5 विकेट मिली है स्पिनर्स को, तो पेसर को तो 7 मिली है लेकिन आपके स्पिनर्स को भी 5 विकेट मिली है। अगर दूसरे मैच की वहीं हम बात करें तो यहाँ पर सनराइजर्स ने फोर्स्ट बैटिंग करते हुए 210 रन का लक्ष्य रख दिया, तो वहाँ पर सामने वाली टीम पहले ही बैकफुट पर चली गई और वहाँ डरबन सुपर जायंट्स को 124 उसे हार का सामना करना पड़ा। टोटल विकेट वहां पर गिरी 11 जिसमें से 9 विकेट, इजी नहीं होता है, 11 में से 9 विकेट मिली आपके स्पिनर्स को। आखिरी मैच सनराइजर्स वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग के बीच में होता जिसे जोबर्ग सुपर किंग ने इजीली
5 विकेटों से जीत लिया था। टोटल विकेटें गिरी 13, जिसमें से 7 विकेटें मिली हैं आपके स्पिनर्स को। तो आप दो मैच देखो ना, तो दो मैच में आपके पेसर्स पे ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं आपके स्पिनर। क्या इस बार भी ऐसा होगा ये तो चीज़ें बाद में पता चलेगी, लेकिन अभी जान लेते हैं क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। और देखो गाइस, स्टार्टिंग में बोलना भूल गई थी, यहाँ पर गिव अवे स्पेशल वीडियो है, गिव अवे आपको मिलने वाला है, बहुत सरप्राइज कुछ मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहो। उसके कुछ कंडीशन है जो अप्लाइड होंगे कि आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको वीडियो को एंड तक देखनी है। और देख सकते हो यार, इतना भी बुरा स्टैट्स नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जा रही है बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे तो लगने नहीं आपके, फ्री में आप 24 घंटे का 15-20 मिनट तो निकाल ही सकते हो। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर भी आपको टीम प्रोवाइड कर, देखो बहुत सारे मैचेस तो हम वीडियो में जो कवर कर देते हैं तो डेटा आप तक पहुँच जाता है, लेकिन पैरेलल में जो और मैचेस चल रहे होते हैं, जैसे आपके पीएसएल चल रहा है, पीएसएल की अभी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बहुत जल्दी पीएसएल की भी वीडियो लेके आने वाली हूँ स्पेशल आपके डिमांड पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो चुके कि पीएसएल की भी वीडियो चाहिए, तो बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं हम। अभी ऐसे सरकमस्टांस नहीं बने, थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं बन पा रहे, लेकिन टीम में कोई कमी नहीं है, हमारे टीम आपको प्रोवाइड की जा रही है पीएसएल की, और बेस्ट टीम मिल रही है गाइस। वीडियो से बेटर है आपके लिए बेटर टीम पाना, और पीएसएल की टीम हमारी जाके देख सकते हो, पहले मैच से आग लगाई है हमारी पीएसएल की टीम ने, तो वही चीज़ आपको चाहिए जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चैनल पे जाके हमारे टेलीग्राम पे देख लो और ज्वाइन हो जाओ, जो मेहनत की जा रही है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वीमेंस की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे एल्से हेली, उनका साथ देते हुए दिखेंगे बेथ मुनी, दोनों ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे मैग लेनिन, बैक टू बैक एसले गार्डनर, जो कि आपको बैट बॉल दोनों से पॉइंट दिलाएंगे। हालांकि रिसेंटली बैट से तो काफ़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन बॉल से कमाल दिखा रही हैं। फिर देखा जाएंगे एलिस पेरी को अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इस बार ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो, वैसे हालांकि प्लेयर बहुत खतरनाक हैं, आपको बैट बॉल दोनों से पॉइंट दिलाती हैं। फिर नजर आएंगे ग्रेस हैरिस, इनको आप ड्रॉप कर सकते हो, ताहिला मैग्रा को आप इवन इस बार ड्रॉप कर सकते हो। फिर बैक टू बैक देखने को मिलेंगे जेस जोनासन, एलेना किंग, मेगन शूट एंड एट लास्ट डर्सी ब्राउन। तो इस तरह की कंप्लीट प्लेइंग 11 रहने वाली है, इसमें आपके स्पिनर पेसर, मेगन शूट की बॉलिंग आपकी पावर प्ले डेथ में आएगी, एलेना किंग आपकी पावर प्ले मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कराएंगे, इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स की, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन खतरनाक प्लेइंग 11 पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम मैं मानती हूँ ऑस्ट्रेलिया वीमेंस को, मैन वीमेन मिला के मुझे लगता है इनसे बेस्ट टीम नहीं हो सकती आपके 11 में से ना। मुझे तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि यार 9 तो इनके ऑलराउंडर भरे हुए हैं, लेकिन 9 नहीं, अगर आप कादे से देखोगे ना तो इनके मतलब एक प्लेयर छोड़ के मुझे लगता है 10 ऑलराउंडर इनके टीम में भरा हुआ है। तो चलो अभी स्टैट्स फॉलो करेंगे, क्योंकि ये स्टैट्स आपको जीएल प्लस एसएल की टीम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि चीज़ें डाउट सारी क्लियर हो, टीम बनाने के टाइम में चीज़ें आपके पास रहे। बात करेंगे एलिसा हेली, राइट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग 1 रन 30 रन 62 रन आखिरी मैच में 55 रन आया था। बेथ मुनी लेफ्ट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग 46 रन 28 रन आखिरी 2 मैच में रन नहीं बने। मैग लेनिन राइट हैंडेड बैटिंग 14 रन 31 रन 0 रन 4 रन 41 रन। एशले गार्डनर राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग 30 रन 0 विकेट 5 रन 1 विकेट 22 रन 2 विकेट 5 रन आखिरी मैच में 5 विकेट मारे। उस एलिसा हेली राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट आखिरी मैच में 1 विकेट। ताहिला मैग्रा राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म मीडियम फास्ट 14 रन 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। ग्रेस हैरिस राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म ऑफ स्पिन 4 0 14, इसीलिए मैंने कहा ग्रेस हैरिस को आप ड्रॉप कर सकते हो, बैटिंग नीचे आती है, इनके बाद बैटिंग की जरूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया को। जेस जोनासन लेफ्ट आर्म लेग स्पिन 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली है। लाना किंग राइट आर्म लेग स्पिन 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और आखिरी मैच में विकेट नहीं मिली है लाना किंग को, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। मेगन शूट राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराती है 5 विकेट 0 विकेट आखिरी 2 मैच में शूट को 2 विकेट मिली है। डर्सी ब्राउन राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराती है 0 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट। तो इस तरह के कुछ स्टैट्स हैं जिससे आप टीम फॉर्मेशन कर सकते हो, आप यहाँ स्टैट्स फॉलो करके सेफ प्लेयर और रिस्की प्लेयर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्लेयर सेफ है और किसके साथ आप रिस्क ले सकते हो जीएल की टीम के लिए। गाइस देखो, आज का पहला गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में सबसे ज्यादा चौके कौन सी खिलाड़ी लगाने वाली है। बहुत इजी है, ऑस्ट्रेलिया वीमेंस के नाम छाप के रख दो पूरे कमेंट में, मुझे भी पता है कि टॉप 3-4 ही हैं जो सबसे ज्यादा चौके लगाएंगी, तो कमेंट कर दो, लेकिन सबसे पहला कमेंट करने वाले को गिव अवे विनर अनाउंस किया जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि आपने बाद में कमेंट कर दिया तो आप बन जाओगे, यार देखो कोई एक ही विनर होगा जो सबसे पहला कमेंट करेगा। चलिए बात करेंगे दूसरी टीम की, श्रीलंका की, क्या होने वाली है प्लेइंग 11।
ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी, हर्षिता मदावी उनका साथ देते हुए दिखेंगी, चमरी अत्ता पट्टू, दोनों ही खिलाड़ी खतरनाक। पहले मैच में 60 प्लस की पारी खेली अत्ता पट्टू ने, 129 रन का टीम को सारी टीम में परफॉर्म नहीं किया, इकलौती खिलाड़ी ने मैच निकाला। और उसी तरह से दूसरे मैच में हर्षिता मदावी ने फिर वही पारी, अत्ता पट्टू वाली पारी खेली यहाँ पर हर्षिता ने। तो ये दोनों ही प्लेयर को आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये दोनों खिलाड़ी आपको 25-30 पॉइंट तो कन्फर्म दिलाएंगी। हालांकि सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, विकेट किसी की भी जा सकती है, तो अत्ता पट्टू ज़्यादा सेफ होंगी यहाँ पर। फिर नजर आएंगी गुणारत्ने, पहले मैच में हमने देखा था इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था। फिर बैक टू बैक ए संजीवनी, नीलाक्षी डिसिल्वा यहाँ पर काफ़ी सेफ ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये टीम है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ विकेट गिननी कन्फर्म है। और विकेट गिनेगी तो नीलाक्षी की बैटिंग आएगी, डिसिल्वा के शॉट लगेंगे। उसके बाद नजर आएंगी अमा कंचना, काफ़ी तेज बॉलिंग कराती है। कविशा दिलहारी बहुत खतरनाक बल्लेबाज, गेंदबाज, सब कुछ, लेकिन रीसेंट फॉर्म नहीं है। पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक आप देख लो फॉर्म अच्छी नहीं चली है, और यही रीज़न है कि आप लगातार मैच जीत रहे हो लेकिन इनके दम पे नहीं जीत रहे हो। फिर बात करेंगे उसदी राणा सिंघे, राणा सिंघे, राणा विराट, ये दो नाम श्रीलंका की तरफ से अगर टीम बनानी हो ना, अगर तीन नाम मेरे सामने हो तो वो तीन नाम होंगे अत्ता पट्टू, राणा सिंघे, राणा विराट। बहुत सेफ, बहुत इजी, एकदम आराम से बनाओ। राणा सिंघे राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग कराती हैं और विकेट निकाल के देती है। हर एक मैच में आप स्टैट्स उठा के देख सकते हो, कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमें राणा सिंघे को विकेट ना मिली हो। फिर नजर आएंगी सुगंधिका कुमारी, ये भी पावर प्ले मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग कराती है। राणा सिंघे की खासियत आपको बता, पावर प्ले डेथ ऑर्डर में बॉलिंग कराएंगी और डेथ में वो विकेट मिलती ही मिलती है। फिर राणा वीरा स्पिन बॉलिंग कराएंगी, एट लास्ट नजर आएंगी ए काला सूर्या। तो कंप्लीट प्लेइंग 11 श्रीलंका की यही रहने वाली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, मैं एकदम श्योर हूँ इनके तरफ से कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये श्रीलंका विमेंस की टीम ऑलरेडी दो मैच यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करके आ रही है, दो मैच जीत के आ रही है, एक बड़ी टीम को, एक बांग्लादेश को हरा के। तो यहाँ पर जरूरत नहीं इनको चेंज करने की। स्टैट्स बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी पांच मुकाबले के स्टैट्स की, क्योंकि ये स्टैट्स आपको GL प्लस SL की टीम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। हमेशा जो एक कंफ्यूजन रहती है ना, हम GL की टीम बनाने जब बैठते कि कौन रे यार आज कौन सा प्लेयर रिस्की होगा, इसको हम ले लेते हैं, कोई नहीं लिया होगा, पहले तो ऐसा मिथ तोड़ दो कि कोई नहीं लिया होगा। यार लाखों लोगों की टीम बनती है और कितने थॉट प्रोसेस ऐसे होते हैं जो लो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन वाले प्लेयर को अपने टीम में उठाते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी वो सिलेक्शन परसेंटेज आपको धोखा दे देती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ऐसे टीम बनाते हैं कम परसेंटेज देख के, और वो कम परसेंटेज वाला ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है यही सोच सोच के कि ये कम परसेंटेज होगा। तो इसीलिए वहाँ पर टीम वैसे नहीं मेकिंग करनी है, यहाँ पर टीम फॉर्मेशन स्टैट्स फॉलो करके करोगे तो कभी आपको लॉस में नहीं जाओगे, इतना तो मैं कंफर्म बता सकती हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये स्टैट्स आपको टीम फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। चलिए बात करेंगे वी गुणारत्ने, राइट हैंडेड बैटिंग, 25 रन, 12 रन, 36 रन, 35 रन, 1 रन। अत्ता पट्टू लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ स्पिन, 0 रन, 0 रन, 27 रन, 0 विकेट, 68 रन, 15 रन, आखिरी मैच में 2 विकेट मिले। देखो यहाँ दो के आखिरी दोनों मैच जो जीता ना, कप्तान ने खुद खेली है वो पारी, कप्तानी पारी टीम को जिताने के लिए। यहाँ पर 68 रन बनाए, उसके बाद 2 विकेट निकाला। नीलाक्षी डिसिल्वा राइट हैंडेड बैटिंग, 14 रन, 6 रन, 1 रन, 4 रन, 41 रन। कविशा दिलहारी राइट हैंडेड बैटिंग, 7 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, आखिरी दो मैच में विकेट नहीं मिली। हर्षिता मदावी राइट हैंडेड बैटिंग, 35 रन, 1 रन, 56 रन, 8 रन, लास्ट मैच में 69 रन। आखिरी पांच मैच आप देखोगे तो उसमें से तीन मैच में हर्षिता ने अच्छा परफॉर्म किया है। अमा कंचना राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, 0 विकेट, 0 विकेट, आखिरी पांच मैच में इनको एक भी विकेट नहीं मिली है। ए संजीवनी राइट हैंडेड बैटिंग, विकेट कीपिंग, 26 रन, 0 रन, 17 रन, 5 रन, 0 रन। राणा सिंघे लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ स्पिन, 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। आखिरी तीन मैच में अगर आप देखोगे तो टोटल 8 विकेटें मिली है राणा सिंघे को। सुगंधिका कुमारी लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, इस मैच में 1 से 2 विकेट सुगंधिका को मिलेगी। नौका राणावीरा लेफ्ट आर्म लेग स्पिन, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, आखिरी मैच में 1 विकेट मिली है। राणावीरा के आप स्टैट्स देखो, हर एक मैच में विकेट मिलती है और यहां पर स्पिनर्स को मदद है तो राणावीरा को कंफर्म विकेट मिलने वाली है। काला सूर्या की बात करेंगे, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग, 0 विकेट, 0 विकेट, आखिरी चार मैच से काला सूर्या को विकेट एक भी नहीं मिली है। तो इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है GL में भी कि आप जो पैसे लगाओ वो भी लॉस हो जाए। तो यहाँ से अगर आप श्रीलंका की तरफ से बहुत सेफ जाना चाहते हो ना, तो आप, मुझे लग रहा है अत्ता पट्टू, नीलाक्षी डिसिल्वा भी थोड़ी सेफ मुझे ऑप्शन लगती है, हर्षिता मदावी, राणा सिंघे और राणावीरा, ये पांच ऑप्शन काफ़ी सेफ हो सकते हैं। रिस्क लेने के लिए तो सारे नाम ही नाम पड़े हैं आपके लिए। तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको बताऊंगी एक कंप्लीट
काफी अच्छे फैंटेसी एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है माई मास्ट 11 फैंटेसी एप्लीकेशन। गजब का एप्लीकेशन है, तबाही मचा दिया है पूरे फैंटेसी वर्ल्ड में। इतना भयंकर डिपॉजिट ऑफर, इसके साथ साथ इंस्टेंट विड्रॉल 24/7 कस्टमर सपोर्ट, लो कमीशन कॉन्टेस्ट, 100% बोनस यूजेबल कॉन्टेस्ट। अब क्या चाहिए, जल्दी से डाउनलोड कर लो। चलिए बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की। दोनों टीमों ने T20 इंटरनेशनल में 6 बार आमना सामना किया और 6 में से 6 वो मैच जीती है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने। कोई डाउट होता क्या इसमें गाइस? पलड़े की बात तो आज करनी ही नहीं है, ये तो वन साइडेड पलड़ा पूरा भारी हो चुका है और इधर की टीम हल्की पड़ चुकी है। सामने आपकी चीज़ें आपके सामने हैं, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं लास्ट कुछ मैच आपके सामने रखती हूँ कि जिस मैच में दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो किस तरह का स्कोर देखने को मिला था वहाँ पर। तो आप देखो लास्ट जब यहाँ पर 2020 में 5वां T20 मैच दोनों टीमों ने खेला था 24 फरवरी को, उस मैच में श्रीलंका ने बनाए थे 20 ओवरों में केवल 122 रन। ना ऑस्ट्रेलिया विमेंस के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर आराम से इन्होंने 123 रन बना के 5 विकेट से मैच जीत लिया। तीसरा T20 2019 2 अक्टूबर, वहाँ पर टीम थोड़ी चेंज थी तो वहाँ पर श्रीलंका ने 94 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य दिया था 226 रन का और सामने वाली टीम केवल 94 रन बना पी। इतना बड़ा लक्ष्य दे दोगे तो सामने वाली टीम तो हिल ही जाएगी ना। उसके बाद सेकेंड T20 फिर 2019 30 सितंबर, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य दिया 84 रन का 20 ओवर में और सामने वाली टीम केवल 1 विकेट खोलकर। इसीलिए टीम बनाने जब भी आप देखना श्रीलंका फोर्स बैटिंग करने आती है तो माइंड में ये बना लेना स्कोर कम बनेंगे, सामने वाले टीम के विकेट ऑस्ट्रेलिया की नहीं जाएगी, आपके टॉप ऑर्डर मैच जिता देंगे। इसके अकॉर्डिंग टीम फॉर्मेशन करनी है, आप बार बार वो गलती मत दोहराना। और बाकी तो टीम तो हम आपको दे ही देंगे गाइज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करने आएगी तो बहुत बड़ा स्कोर बनेगा। और फर्स्ट T20 2019 में देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ भी 217 रन का लक्ष्य रख दिया, इतना बड़ा स्कोर बना दिया और सामने वाली टीम 176 रन पे ऑल आउट, 7 विकेट खो के मैच को हार गए। तो इस तरह के मतलब आप सारे के सारे मैच में देखो ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से मैच जीता है, चाहे चेस करने की बारी हो चाहे फर्स्ट बैटिंग। फर्स्ट बैटिंग में इतने ज़्यादा स्कोर कर देते हैं, चेस करने के टाइम में स्कोर सामने वाली टीम कम बनाती है तो बहुत आसानी हो जाती है। तो गाइज देखो ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है। अभी तक मैच प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है कि इस मैच में बाजी कौन मारेगा, मतलब अभी तो कोई डाउट नहीं है, क्या ही बोलूं, इजीली यहां 70 नहीं, मुझे लग रहा है ना 80-90% तक मैं श्योर हूं कि ऑस्ट्रेलिया विमेंस इस मैच को जीतने वाली है। हालांकि श्रीलंका विमेन भी जिस तरह से पास्ट वो चीजें इतिहास है, रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे ना, जिस तरह से वर्ल्ड कप में श्रीलंका विमेंस ने खुद को प्रूव किया है, जिस तरह से एशिया कप में अच्छा करते हुए आ रही थी, तो वहां से मुझे लग रहा है श्रीलंका इजिली गिव अप नहीं करने वाली है, एक टफ कंपटीशन देखने को मिल सकता है। दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया अपने आखिरी 5 के 5 मैच जीती है, वहीं बात करें श्रीलंका की तो ये भी अपने आखिरी 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जिसमें से ये जो लास्ट का 2 मैच है ना ये आपके वर्ल्ड कप के मैच है, 2 ही मैच खेली है, दोनों जीती है, क्लीन स्वीप हुई है। तो गाइज देखो चीज़ें बहुत क्लियर है। अभी चलते हैं अपने सबसे मेन पॉइंट की तरफ, जो है हमारी फैंटेसी टीम की, मैंने अपनी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स को पिक किया है। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेम टीम के भी साथ जाते हो ना तो आपको लॉस नहीं होने वाला है, काफ़ी अच्छे बेनिफिट बना सकते हो। यहाँ पर मैंने विकेट कीपर में सेलेक्ट किया है बेफ मुनी एंड एलिस हेली को, बैटर्स की बात करें मैग लैनिन, नीलाक्षी डे सिल्वा, हर्षिता मदावी। ऑलराउंडर में भी चॉइस होने वाली अश्ले गार्डनर, अटा पटू एंड राणा सिंघे। बॉलर में मैंने चूज किया मेगन शूट, डैर्सी ब्राउन एंड इनोका राणा वीरा को। इस मैच की कैप्टन की सबसे बेस्ट एंड सेफ ऑप्शन होने वाले हैं एश्ले गार्डनर। वाइस कैप्टन के लिए एलिसा हेली को मैंने अभी थोड़ा रिस्क लेके चूज किया है, लेकिन अगर आप और सेफ जाना चाहते हो तो आप अटा पटू या राणा सिंघे, इन दोनों में से किसी एक को बना दो, 100% श्योर कह सकते हो इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी इस मैच में। तो गाइस स्क्रीनशॉट लो, सेम टीम के भी साथ जाओगे, कभी लॉस नहीं होगा। जीएल में देखते हैं और कितने कॉम्बिनेशन लगाया जा सकता है। तो कैप्टन के लिए एश्ले गार्डनर, एलिसा हेली, वाइस कैप्टन के लिए बेथ मुनी एंड चमरी अटा पटू। तो ये मेरे 4 की प्लेयर हैं इस मैच के लिए जो मुझे लगता है इस मैच में परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करेंगे तो हमारे टीम में पॉइंट तो अपने आप ही मिल जाएगा, जो कि हम चाहते भी हैं कि बेस्ट प्लेयर को अपने टीम में सेलेक्ट करना जो हमारी फैंटेसी में गजब का पॉइंट मिला और हमारी टीम सबसे ऊपर जाए, लॉस ना होने पाए। छोटी मोटी बातें हैं गाइज, जो हमेशा कहती हूँ मेरे नए यूज़र के लिए, आज फिर कह देती हूँ कि जीएल में आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, ये आपको सेफ नहीं जाना है। अगर आप सेफ जाने की सोच रहे हो तो वहाँ आप जीएल खेलना फिर छोड़ दो, सेफ जाके आप जीएल कभी भी नहीं जीत सकते हो, वहाँ इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है ना गाइज, उतने लोगों को बीट करने के लिए एक अलग दिमाग, एक अलग सोच, एक अलग किस्मत की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें फॉलो करो, नंबर ऑफ टीम के ऑप्शन भी कंपनी सारी कंपनियों ने भरते दे रखे हैं आपको, 15, 20, 5, 11 टीम के मिनी जीएल में
में भी आपको 11-11 टीम के ऑप्शन अब तो मिलते हैं, तो वहां पर इसीलिए मिलते हैं कि आप नंबर ऑफ वेरिएशन डालो कैप्टन वाइस कैप्टन में, ताकि जीतने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाए। बाकी तो आपको पता है कि फाइनल टीम हमारी यहाँ नहीं आने वाली है, फाइनल टीम आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहां पर आपको मिलेगी हमारी लास्ट और बेस्ट विनिंग टीम जो आती है टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद, जब हमें पता चल जाता है एग्जैक्ट प्लेइंग 11 दोनों तरफ से क्या रहने वाली है, कौन सी टीम टॉस जीत के बॉलिंग चूज करेगी या बैटिंग चूज करेगी। जैसा कि मैंने बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करने आती है तो बड़ा स्कोर बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग टीम बनेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चेस करने आती है तो आप समझो छोटा स्कोर बनेगा, ऑस्ट्रेलिया की टॉप ऑर्डर मैच को निकाल ले जाएगी, बॉलर अपना काम करके देंगी। तो ये कॉम्बिनेशन, ये थॉट प्रोसेस चलना चाहिए जब हम टीम बना रहे होते हैं। हम से बड़े नाम देख के, ताइला मैग्रा देख के नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, वो गलती नहीं करेंगे। तो गाइस चलो, आज बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट मैच की पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। आज का हमारा दूसरा गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन सी प्लेयर बनाने वाली है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिस तरह से ईजिली हम सारी बातें आपको बोल देते, वैसे ही हमारे क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते जिसका आंसर आप कर पाओ और खुशी खुशी कर पाओ। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉमेंट करके बता देना आपको मेरी वीडियो भी कैसी लगी, क्योंकि ये भी बता दिया करो यार, गिव अवे तो है, वो तो आप ले ही जाओगे। ये भी देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इतनी मेहनत तो आपके लिए की जा रही है, मेहनत को सपोर्ट करना आपका काम है, मेरा काम है मेहनत करना, आपका काम है मुझे सपोर्ट करना, दोनों साइड से चीजें होती है, गिव एंड टेक, वन साइडेड कभी कुछ नहीं होता है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मेरे टेलीग्राम को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी विनिंग हो सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।